राष्ट्र विरोधी ताकतें ड्रग माफिया की भूमिका में हमारे प्रदेश के गांव-गांव में अपने पांव पसार रही है, जो कि न केवल क्षेत्र विशेष, समुदाय विशेष, बल्कि पूरे राष्ट्र समाज के लिए चिंतनीय विषय है। और इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को उखाड़ने के लिए युवाओं को ही अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। ये बात पूर्व में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के केंद्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे नरेंद्र अत्री ने खेल मैदान में जिला हमीरपुर के विभिन्न विभागों से आए हुए 60 श्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए कही। नरेंद्र अत्री ने कहा कि पिछले एक महीने में ड्रग्स के हमीरपुर में 1 दर्जन मामले पकड़े जाना इस बात का प्रमाण है कि ड्रग माफिया के रूप में राष्ट्र विरोधी ताकतें अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र की युवा शक्ति को क्षीण करने पर उतारू है। केवल हमीरपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी ये सिलसिला जारी है। अतः खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ अपने राष्ट्र व समाज के प्रति कर्तव्य को समझते हुए नशे के खिलाफ जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए आगे आना होगा। आज जिला हमीरपुर फुटबॉल टीम का चयन हुआ। सबसे पहले तो मैं चयनित टीम को बधाई देता हूं। आशा व्यक्त करता हूं कि ये टीम राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्म करेगी और अपने माता पिता के साथ साथ अपने प्रदेश और जिले का नाम रोशन करेगी। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण विषय जो इन युवा खिलाड़ियों के साथ जिस पर चर्चा हुई वो विषय है युवाओं में बढ़ती हुई जो नशे की प्रवृत्ति है उस पर चिंता। मेरा आग्रह रहा इन सभी युवा खिलाड़ियों से कि वो अच्छा फुटबॉल खेलने के साथ साथ ग्राउंड में मेहनत करने के साथ साथ एक बात का प्रण लें कि उन्हें समाज के भीतर ड्रग्स के खिलाफ एक एम्बेसडर की तरह काम करना है, क्योंकि ये चुनौती केवल किसी समुदाय विशेष या क्षेत्र विशेष की चुनौती नहीं, ये चुनौती पूरे राष्ट्र की चुनौती है, पूरे समाज की चुनौती है। और उस चुनौती का सामना करने के लिए भी पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को एकजुट होना पड़ेगा। राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं वो हमारे ही समाज के बीच में घुसकर हमारी युवा शक्ति को क्षीण करने पर उतारू हैं। मैंने इन युवा खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वो खुद तो ड्रग्स से दूर रहे ही, साथ में जो उनके आसपास के नौजवान हैं, उनके सहपाठी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके गांव के मित्र हैं, उनसे भी आह्वान करें कि ड्रग्स के खिलाफ पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में एक माहौल बनाएं ताकि हमारा युवा जो है सशक्त रहे, मजबूत रहे। क्योंकि युवा सशक्त होगा, मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। इससे पहले अंडर 17 राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए हमीरपुर जिला की टीम का चयन अनु के कॉलेज ग्राउंड में किया जाएगा। चयन समिति में नरेश राणा, संदीप कुमार, नरेश ठाकुर, हरचरण सिंह व पंकज गुलेरिया और चयन समिति के चेयरमैन अजय शर्मा इस मौके पर उपस्थित रहे। चयन में 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से 30 खिलाड़ियों को चयन किया गया, जिनका खेल कैंप अनु ग्राउंड में शुरू होगा। ये जानकारी संघ के प्रेस सचिव कमलेश वर्मा ने देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ व कुल्लू जिला फुटबॉल संघ के सौजन्य से इस प्रतियोगिता को कुल्लू में करवाया जा रहा है, जो कि 23 सितंबर से शुरू होगी। फुटबॉल टीम का अंडर 17 का चयन किया गया, जिसमें पूरे जिला से लगभग 60 के लगभग खिलाड़ियों ने भाग लिया। और इस जो टीम है इसका कैंप जो है कल से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें जो टीम ये जो हमारी पार्टिसिपेट करेगी, कुल्लू में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही है 23 तारीख से 28 तारीख तक, उसमें भाग लेगी।